बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द वीडियो सेशन ऑफ इकरा जॉइंट हैंडराइटिंग सीरीज बुक वन। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस साउंड्स ऑफ थ्री न्यू फोनोग्राम्स एंड राइटिंग ऑफ थ्री न्यू लेटर्स। इन टुडेज वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट टू लर्न three new phonograms and writing of three new letters. Dear students, Iqra Hufaz Boys Secondary Schools online की classes में से आज के हम third lecture में मिल रहे हैं, जो कि हमारा 21 मई का lecture है 2021। आज की video में भी हम पिछली video की तरह three new phonograms के sounds को सीखेंगे, बट उससे पहले हम उन लेटर्स के राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम उनके साउंड्स की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले थ्री न्यू लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 हमारे सामने है। आई होप कि आपने पेज नंबर 16, जो मैंने कल की वीडियो में होमवर्क दिया था, वो आपने कम्प्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 17 कम्प्लीट करेंगे। उसमें से आज का पहला फोनोग्राम है आई। सबसे पहले हम इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं इसके साउंड आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए, ये आई यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसके नीचे आपको थ्री टाइम्स बनाकर दिखाऊंगा और राइटिंग राइम्स भी बोलता जाऊंगा। मैंने बताया था आपको कि वो पेज नंबर 6 पर हैं, अगर आप चाहें तो बाद में भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, डाउन डिप एंड डॉट। फिर से ड्रॉ करता हूं मैं इसको। शॉर्ट अप स्विंग, डाउन डिप एंड डॉट। लास्ट टाइम इसको मैं बनाता हूं। शॉर्ट अप स्विंग, डाउन डिप एंड डॉट। इस तरह से ये आई हमने बनाना होगा। इन केस के आपको अगर ये थ्री टाइम्स बनाने में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेटर जे। इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जे की भी प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे जैसे हमने आई की, और हम इससे पहले फोनोग्राम्स की लेटर्स की राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाते हैं, इसी तरह इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे हम। शॉर्ट अप स्विंग, स्लैंट डाउन, नैरो लूप, डॉट। बहुत ही सिंपल है ये भी, रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। शॉर्ट अप स्विंग, स्लैंट डाउन, नैरो लूप, डॉट। लास्ट टाइम, शॉर्ट अप स्विंग, स्लैंट डाउन, नैरो लूप, डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जे भी हमने ड्रॉ कर लिया। इन केस कि आपको ये समझ में ना आया हो तो आप इसको रिवर्स करके फिर से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस देख सकते हैं। लास्ट लेटर आज की वीडियो का के हमारे सामने है, आई जे के बाद के। इस के को राइटिंग की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। टॉल अप स्विंग, कर्व शार्पली, डाउन टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, पुल इन, शॉर्ट डिप। इसको मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। टॉल अप स्विंग, कर्व शार्पली, डाउन टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर। देखिए यहां से बिल्कुल एच की तरह है। फिर इसके बाद पुल इन कहेंगे तो इसको वापस लाके इस लाइन से मिला देंगे, और उसके बाद शॉर्ट डिप। लास्ट टाइम ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। टॉल अप स्विंग, कर्व शार्पली, डाउन टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, पुल इन, शॉर्ट डिप। डियर स्टूडेंट्स, इन केस के आपको यहां तक देखने के बाद के समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइज करें, फिर से देखें ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पर ख़त्म करके वीडियो को पॉज कर दें और अपनी हैंड राइटिंग की बुक में आप ड्रॉ करके देखें
कि आपसे सही ड्रॉ हो रहा है या नहीं। अगर आपसे सही ड्रॉ हो रहा है दैट मीन्स कि आप सीख चुके हैं क्लियरली, आप समझ चुके हैं और अब आप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आपसे नहीं ड्रॉ हो रहा तो आप वीडियो के इस हिस्से को दोबारा देखें और फिर दोबारा इसको ड्रॉ करें। इस तरह अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ताला यू विल बी परफेक्ट इन राइटिंग दीज लेटर्स। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह इन लेटर को लिखने में परफेक्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई जे और के की राइटिंग की प्रैक्टिस हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड राइटिंग ऑफ दीज लेटर्स। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन लेटर्स को लिखने का तरीका अच्छी तरह समझ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू लर्न साउंड्स ऑफ दीज फोनोग्राम्स। चले अब चलते हैं इन फोनोग्राम्स के यानी आई जे और के साउंड्स को भी सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग के बाद अब इन फोनोग्राम्स के साउंड्स आप देखेंगे और सुनेंगे। आपके सामने बोर्ड पर लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके साउंड्स मैं आपको बताऊंगा। हम ए से स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारे 3 न्यू फोनोग्राम्स हैं, लेकिन मैं हर एक फोनोग्राम का आपको एक ही साउंड बताता जा रहा हूँ। ए बी सी डी सबका एक एक साउंड मैंने आपको बताया है, तो आज भी मैं जो 3 फोनोग्राम सामने हैं आपके, इनका भी एक एक ही साउंड मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला फोनोग्राम है आज का आई, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका साउंड है ई। जैसे आप कायदा पढ़ते थे तो उसमें आपने हमजा ज़ेर ई पढ़ा होगा, तो इसी तरह से आई का साउंड आपको ई साउंड देना है, ठीक है। ई ए की तरह साउंड, जैसे हमने ई का साउंड पढ़ा था, ई के साउंड में हमने जर्क नहीं देना था, झटका नहीं देना था, लेकिन इसमें हमने झटका देना है, ई साउंड देना, ठीक है। रिपीट कीजिए इसको मेरे साथ, ई। वेरी गुड, दोबारा से रिपीट कीजिए, ई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फोनोग्राम है हमारे सामने, ये है जे। इसका साउंड तो बहुत ही कॉमन है, इसका साउंड है ज। रिपीट कीजिए, ज। वेरी गुड, लास्ट टाइम रिपीट कीजिए, ज। इसके बाद आज का लास्ट फोनोग्राम है के, और इसका साउंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सी का साउंड पढ़ा था, ठीक है। याद होगा आपको सी का साउंड तो हमने फिजिकल क्लास में पढ़ा होगा आपने, हम आप में से हर एक ने, वैसा ही साउंड यहाँ पर के का है। मैं साउंड बताऊंगा, आप रिपीट करेंगे, ठीक है। रिपीट कीजिए फिर से, दैट्स वेरी नाइस, अगेन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने आई का साउंड पढ़ लिया ई, और जे का साउंड पढ़ लिया ज, और के का साउंड पढ़ लिया ख। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द साउंड्स ऑफ 3 न्यू फोनोग्राम्स एंड राइटिंग ऑफ 3 न्यू लेटर्स। आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आज के जो 3 हमने फोनोग्राम्स के साउंड सीखे हैं आई जे के इंशाल्लाह ताला वो आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। और इसके साथ साथ जो हमने आई जे के की राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, इंशाल्लाह ताला उसकी भी मुझे उम्मीद है कि वीडियो को बार बार देखने से आप उसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यही आपका होमवर्क है कि आपने इस पेज को कंप्लीट करना होगा। जिस दिन आपने वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है आज ही देखी होगी आपने, पेज नंबर 17 आज ही आप कंप्लीट कर लेंगे, यही आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ताला जैसे जब आप स्कूल आएंगे, हो सकता है कि उस वक्त हम आपका ये काम चेक करें, और ये भी पॉसिबल है कि हम स्कूल आने से पहले ही आपसे आपकी बुक्स मंगवा के आपका काम चेक करें। तो आपका काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का एहतराम किया कीजिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।